तो हे गाइस, आप देख रहे हो अपने भाई का चैनल के एक्स गेमिंग। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको PUBG मोबाइल इंडिया का न्यू पोस्टर दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ PUBG मोबाइल इंडिया की क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है वो भी गाइस मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले गाइस, आप लोग मेरा एक जवाब ज़रूर से देना। आप BMI गेम जानते हो कौन सा है? BMI गेम, अगर आपको इस गेम का फुल फॉर्म पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और अगर आपको नहीं पता है ना तो अभी तो यार मैं बताने वाला हूँ। देखो यार, इस BMI गेम का पता है क्या फुल फॉर्म है? इस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। आप गाइज, आपने अगर ये न्यूज़ सुनी होगी कि पबजी मोबाइल इंडिया जब इंडिया में रिलीज़ किया जाएगा तो इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? अब इसका पबजी मोबाइल इंडिया का यही नाम होने वाला है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो यही मैंने आपको बताया था BMI का क्या फुल फॉर्म है। तो जिनको पहले ही से पता था मुझे कमेंट सेक्शन में वो अभी तक बता चुके होंगे, जिन्हें नहीं पता था तो आप बस ये जान लो कि पबजी मोबाइल इंडिया का यही नाम होने वाला है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो BMI का यही फुल फॉर्म है। अब BMI का लगता ये है कि कुछ BMI करवा लो भैया, ऐसा टाइप का कुछ लग रहा है। पर देखो यार, PUBG मोबाइल इंडिया का यही नाम होने वाला है, तो ये एकदम मतलब मस्त वाली न्यूज़ है कि PUBG मोबाइल इंडिया का अब नाम भी निकल के आ चुका है, अब इसका पोस्टर भी निकल के आ चुका है। तो वो पोस्टर मैं गाइस अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये PUBG मोबाइल इंडिया का पोस्टर है, ठीक है? अब ये अभी तक ऑफिशियली रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन ये ऑफिशियल है। आप कहीं पर भी किसी की भी वीडियो अगर आप देख लोगे उठा के, तो सब लोग यही कहेंगे कि ये PUBG मोबाइल इंडिया ही का पोस्टर है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोडिंग पेज है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लॉगिन पेज है। अब जो भी पेज हो, लेकिन ये PUBG मोबाइल इंडिया का आप मान सकते हो पोस्टर है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, PUBG मोबाइल जो KR वर्जन है ना, उसका भी नाम चेंज हो चुका है, और उसका नाम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। अभी आप अगर प्ले स्टोर पर चेकआउट करोगे या कहीं पर भी चेकआउट करोगे, देखोगे कि जो PUBG मोबाइल KR वर्जन है ना, उसका नाम चेंज हो चुका है। तो जो भी नाम चेंज होना था हो गया। अब यहाँ पर सब लोग क्या सीन बता रहे हैं, पता है क्या सीन बता रहे हैं? कि जो PUBG मोबाइल KR वर्जन है ना, उसी को कन्वर्ट किया जा रहा है PUBG मोबाइल इंडियन वर्जन में। तो चाहे जो हो जाए, बस PUBG मोबाइल इंडियन वर्जन आ जाए, अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गाइस देख रहे हो, इतनी ढेर सारी चीज़ें आ रही है। पहले PUBG मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल पेज पर छेड़खानी हुई थी, जहाँ पर वो 3 टीज़र को पहले अपलोड किया था, फिर उसके बाद प्राइवेट कर लिया गया, पहले वो वाला सीन हुआ। अब यहाँ पर गाइस PUBG मोबाइल इंडिया का पोस्टर निकल के आ गया है, और उसका नाम भी करण हो चुका है। तो मतलब अब क्या ही चाहिए, अब बहुत ही जल्दी मुझे लग रहा है ट्रेलर भी आ जाएगा। तो ये जो मई वाला मंथ होने वाला है ना, ये बहुत ही मतलब कि कमाल की न्यूज़ देता ही रहेगा, कमाल की न्यूज़ देता ही रहेगा एकदम PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड। और गाइज़ अभी तो ऐसा लग रहा है कि आज भी कुछ अनाउंसमेंट या कुछ तो होगा, और अगर गाइज़ आज भी कुछ भी अनाउंसमेंट या कुछ पोस्टर या टीज़र या ट्रेलर कुछ भी आता अपने PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड, तो आपका भाई सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब गाइज़ यहाँ पर क्या, सब लोग कह रहे थे कि 10 दिन के ही अंदर, मतलब कि 10 मई के ही अंदर हम लोग को PUBG मोबाइल इंडिया का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये तो अब मुझे सीन एकदम सही लग रहा है, क्योंकि पोस्टर भी आ चुका है, और अभी जो कुछ दिन पहले जो छेड़खानी हुई थी YouTube चैनल पर PUBG मोबाइल इंडिया के, तो उसको देखने के बाद लग रहा है कि PUBG मोबाइल इंडिया का ट्रेलर 10 मई से पहले आ सकता है। कॉट इज गाइज, देखो यार, ये बहुत लोग का क्वेश्चन भी है, और कल मैंने अपने फ्रेंड से तब कॉल पर बात भी कर रहा था, तब मैंने उसे बताया कि PUBG मोबाइल इंडियन वर्जन आने वाला है। तो उसका एक साफ साफ यही मुझसे एक क्वेश्चन आया कि PUBG मोबाइल जो इंडियन वर्जन आने वाला है, तो क्या उसमें हम लोग ग्लोबल वाला वर्जन मैच मेकिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो यही डायरेक्ट पूछा, ठीक है? तो मैंने उसको कहा हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने KR वर्जन भी खेला होगा, कि PUBG मोबाइल का अगर KR वर्जन खेला होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि ग्लोबल वाले भी बंदे आ जाते हैं KR वर्जन में। तो वैसे ही होने वाला अपना PUBG मोबाइल इंडियन वर्जन, इसमें भी हम लोग की ग्लोबल मैच मेकिंग हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि हम लोग के जो इंडियन प्लेयर्स है ना, उन्हीं के साथ मैच मेकिंग होगी। पर ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ग्लोबल वाले बंदे को अपने मतलब कि लॉबी में नहीं ऐड कर सकते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग खेल सकते होंगे उनके साथ भी। और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें आने वाली है अपने PUBG मोबाइल इंडिया के वर्जन में, जो हटके होने वाली, जैसे कि मैंने सुना है कि पूरे कपड़े नहीं हटा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने अभी देखा होगा अपने PUBG मोबाइल इंडिया में, हम लोग बस चड्डी पहन के रहते हैं और नंगे पुंगे हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब जो PUBG मोबाइल इंडियन वर्जन आने वाला है, उसमें सारे कपड़े हम लोग नहीं उतार सकते, हम लोग को कुछ तो कपड़े मिलेंगे, जैसे शर्ट हो गई और पैंट हो गई, उसको हम लोग नहीं उतार सकते होंगे, कुछ ये न्यूज़ भी मैंने सुनी थी। तो इस वजह से अपना जो PUBG मोबाइल इंडियन वर्जन होने वाला है ना, वो थोड़ा हटके होने वाला है, वरना पूरा सेम टू सेम जैसे ग्लोबल वर्जन है, जैसे KR वर्जन है, पूरा वैसे ही होने वाला है, ठीक है गाइस? अब यहाँ पर आपका कुछ तो डाउट क्लियर हुआ ही होगा। तो हाँ यार, बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और अगर मेरे पास इन फ्यूचर PUBG मोबाइल इंडिया से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपका भाई सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो लेके आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे कौन एक कमाल की वीडियो में।